आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स, सुजुकी शोरूम किलाइना का बालाकोट रोड तमो। कोई भी वाहन खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। त्योहारों का है सीजन, खरीदारी का बिग रीजन, दे आपूर्ति सुपर मार्ट, गजब के ऑफर की भरमार, इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐसी सेल जिसका कहीं नहीं है मेल, सबसे सस्ते दामों में घर मंगाओ अमेजिंग रेंज, और खुशियों से भर लो मन की जेब, ये है आपूर्ति की सुपर सेल, ये है आपूर्ति की सुपर सेल। इस फेस्टिव सीजन आपूर्ति सुपरमार्ट पर पाइए सभी टॉप ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक्स की बेहतरीन रेंज, वो भी सबसे सस्ते दामों में। विजिट www.apoorti.co.in और कॉल 7540-888-111। आप हमारे ऐप द्वारा भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपूर्ति सुपरमार्ट, दमो की अपनी दुकान। मॉडर्न हब ब्रांडेड हॉजरी शॉप महिला पुरुष एवं बच्चों के लिए, जहां पर आपको मिलेंगे नाइट सूट, लोअर, टी शर्ट, अंडर गारमेंट्स, टॉवल, गाउन, सभी ब्रांड के उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें कैलाश भंडार के बाजू से सिनेमा रोड दमोह। दमोह जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव भिकारियों वाले गांव के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह गांव अब यहाँ के जनप्रतिनिधि की मेहनत से एक नई पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर सरपंच की इच्छा शक्ति के चलते जहाँ गांव की सूरत बदली है, वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यही भिखारी वाला गांव अब स्वरोजगार अपना रहा है और इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। दमोह जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तिनौनी नामक ग्राम नट समुदाय के लोगों के द्वारा की जाने वाली भिक्षावृत्ति के कार्य के कारण भिखारियों के गांव के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहां के एक जनप्रतिनिधि की मेहनत के चलते यह गांव अब नई पहचान की ओर बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यहां पर गांव की सरपंच द्वारा स्वरोजगार की मुहिम चलाई जा रही है और यही कारण है कि अभी यहाँ पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए स्वरोजगार के द्वार खोले गए हैं। आजीविका मिशन के माध्यम से यहाँ की महिलाएं गोबर से विभिन्न उत्पादों का निर्माण कर रही हैं। वर्तमान में यह महिलाएं गोबर से दीपावली के लिए दिए, भगवान की मूर्तियां, शुभ लाभ सहित अन्य पूजन की सामग्री बना रही हैं। यहाँ की महिलाओं का मानना है कि इन उत्पादों का निर्माण कर वे अपना जीवन यापन करेंगी और आगामी दिनों में अन्य तरह के उत्पादों का निर्माण कर स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाएंगी। सर, हम तो एक दिन में 100 या 105 इतने ही दिए बनाते हैं। सुबह से आते हैं, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक बनाते हैं सर। कितना पैसा मिलेगा सर? अभी तो काम शुरू किया है, पैसा इसको पता नहीं है सर हमें। किसके माध्यम से काम हो रहा है? सर, हमारे यहाँ के सरपंच हैं स्वामी गुप्ता जी, तो उनके माध्यम से काम कर रहे हैं सर। कितनी महिलाएं काम पर? यहाँ पे 10-15 महिला आती हैं। क्या क्या बना रही हैं आप लोग? सर, दीपक भी बना रहा है, ओम सातिया शुभ लाभ जी बना रहे हैं सर। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के युवा सलाहकार मानते हैं कि आजीविका मिशन के माध्यम से सरकार समूहों की महिलाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराती है और इस गांव में प्रशिक्षण देकर के महिलाओं को इस तरह के उत्पादों का निर्माण कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और यह महिलाएं लगन के साथ ही यह काम कर रही हैं, जिससे इन महिलाओं को स्वरोजगार मिल रहा है और आगामी दिनों में इनको अपने जीवन यापन के लिए भरपूर पैसा भी मिलेगा। जी, पहली बार ये सुझाया गया हमारे जिला पंचायत सीओ सर के माध्यम से, मिश्रा सर के माध्यम से, कि इस कार्य को किया जाए। उसके बाद हमारे तिदौनी ग्राम पंचायत के सोमेश जी हैं सरपंच जी, उन्होंने इसको आगे सहयोग करने के लिए कहा। उसके बाद हम लोग ने इन दीदियों को, समूह की दीदियों को प्रशिक्षण दिया, प्रशिक्षण उपरांत ये कार्य किए जा रहे हैं। क्या क्या बन रहा है जी? अभी हम इस समय ओम स्वास्तिक, शुभ लाभ और दीपक बना रहे हैं। क्या खासियत है इनमें? जी, खासियत ये है कि ये गोबर से बनते हैं और इनमें यह है कि आप इसको जो है प्रदूषण नहीं करते हैं, प्रदूषण से बचाते हैं। आप इनको चाहिए तो गमले में या फिर मिट्टी में मतलब मिला सकते हैं, तो फिर ये खाद का काम करते हैं। इस ये फ़ायदा है इसके, और ये टूटते नहीं हैं। आप इसको अगर थोड़े गिर जाएं इधर से तो ये टूटते भी नहीं।
किस तरह से बाजार में इनको लॉन्च करेंगे? जी, बाज़ार में इनको बेचने का ऐसा है कि हम जो अपन के स्थान है, मेन मेन कलेक्ट्रेट है, अपन का बस स्टैंड है, उन स्थानों पे अपन लोग दुकान लगा करके बेचने का प्रयास करें। क्या हमने दुकान स्टार्ट की है क्या? जी, अभी आज से हमारी दुकान लगने वाली है बस स्टैंड और कलेक्ट्रेट के पास। गांव के सरपंच मानते हैं कि बीते वर्षों से भी यहां पर सरपंच हैं और गांव की इस पहचान को बदलने की लगातार वे कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने गांव में अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शासन के माध्यम से प्रयास किए हैं और अब वे सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। स्वरोजगार के लिए यह प्रयोग नहीं है, और भी कई प्रयोग उनके द्वारा गाँव में किए जा रहे हैं जिससे ग्रामीण लोगों को रोजगार मिल सके और इस प्रयास में वे सफल हो सकें। जब मैं यहाँ का सरपंच बना तो पहली मेरी प्रायोरिटी यही थी कि जो हमारे गांव के नट समाज है, जो भीख मांग के रोड पे तमाशा करके अपना जीवन यापन करता है, उनके छोटे छोटे बच्चे आज तक स्कूल नहीं जा पाते हैं, अलग अलग देश के शहरों में वो भीख मांगते हैं और अपन उनको मतलब मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, जो उनका अधिकार है, वो नहीं मिल पा रही थी उनको, तो कैसे हम उनको मुख्य धारा में लाएं, मेरा ये प्रयास था। तो मैंने प्रयास शासन स्तर पे बड़े स्तर का प्रयास किया जो सफल नहीं हो पाया, जैसे कोई इंडस्ट्री वगैरह या कोई ऐसा कार्य बड़ा लग जाए यहाँ पे कि इनको यहीं रोज़गार मिल जाए। तो मैंने फिर इनके लिए ये सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि इनके लिए यहीं रोज़गार मिल जाए, तो मैंने छोटे छोटे उद्योग यहाँ पे स्थापित करने का प्रयास किया था। उसी की शुरुआत हमने की मास्क से सबसे पहले, तो 40,000 मास्क बनाने का हमने काम अपनी ग्राम पंचायत में किया था, ये हमारे स्व सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से, जिनको उनको रोज़गार मिला इस लॉकडाउन में। उसके बाद हमने एक आर ओ प्लांट लगाने का काम कर रहे हैं, आर ओ प्लांट हमारा तैयार होने वाला है, जो हम शहर में आर ओ प्लांट के माध्यम से पानी सप्लाई करेंगे। फिर हमारा एक पनीर का भी प्रोजेक्ट डल रहा है कि शहर में शुद्ध पनीर नहीं मिल पाता है, तो हम यहाँ पनीर उत्पादन भी करने वाले हैं। और इसी के साथ अभी दीपावली आ रही थी, तो हमने गाय के गोबर से दिए, मूर्तियाँ और भी जो हमारे धार्मिक चिन्ह होते हैं, शुभ लाभ, साथिया, ये बनाने का काम शुरू किया है और ये हम बड़ी मात्रा में बनाना प्रारंभ कर रहे हैं, जिससे दीपावली में लोगों को जो आत्मनिर्भर भारत का हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, तो हमारा गांव भी आत्मनिर्भर बने, हमारे गांव के लोग भी आत्मनिर्भर बने, ये हमने प्रयास किया है। इसके साथ ही हमने ये हमारा एक पुराना नाला पड़ा हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे स्टॉप डैम बना रहे हैं गौशाला के बगल में, और उसमें हम नाव के चलाने का प्रस्ताव पूरा तैयार हो गया है, नाव के लिए पैसे की व्यवस्था हो चुकी है, तो लोग बोटिंग की यहाँ पे करेंगे और ऊँट और बैलागाड़ी बहुत सुसज्जित, जो बैल की गाड़ी आज तक देखने नहीं मिलती है आजकल हमको, तो जो हमारे युवा बच्चे हैं उनको देखने मिले कि बैलागाड़ी क्या होती है, उनकी सवारी कराने का एक पर्यटन के दृष्टि से हम अपने गाँव को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, और इससे ये होगा कि हमारे गाँव की इन लोगों को रोजगार मिलेगा और जिससे इनकी जो दशा है वो सुधरेगी। यह गांव आदर्श पंचायत के लिए जिला स्तर पर सम्मानित हो चुका है, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ पुरस्कार सरपंच को मिल चुके हैं। दरअसल सरपंच की मेहनत का नतीजा है कि इस गांव की पहचान को बदला जा रहा है, वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस गांव को बदलने का प्रयास लगातार जारी है। महिंद्रा गाड़ियों के पार्ट्स व सर्विस के लिए अधिकृत कमल मोटर्स, बड़ी देवी मंदिर रोड, ओवरब्रिज के पास, दमोह। एक बार सेवा का अवसर दें। फोन 3099611109। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत सभी व्याधियों के उत्कृष्ट दवाइयां कम मूल्य पर प्राप्त करें। रोटरी क्लब द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ATM के पास, सरकारी अस्पताल चौक, दमोह। हैप्पी किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह।